हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10th एनआईएस इंग्लिश वाले बच्चों का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अ टाइगर कम्स टू टाउन फर्स्ट। जी हाँ, इसके चैप्टर के दो पार्ट हैं। पांचवें लेसन के अंदर आपको फर्स्ट पार्ट की स्टोरी जानने को मिलेगी और छठे लेसन के अंदर आपको इसका सेकंड पार्ट जानने को मिलेगा। अगर जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो वो इसकी शॉर्ट समरी भी देख सकते हैं, जो बहुत ही कम वर्ड्स में है। तो शॉर्ट समरी की वीडियो मैंने अपलोड की थी। अगर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th NIS यू नो इंग्लिश शॉर्ट समरी के नाम से। तो शॉर्ट समरी में आपको क्विक समरी मिल जाती है हर एक चैप्टर की, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। बाकी अगर आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको अच्छे से पूरी कहानी का पता रहे। सो गाइस, चलिए डिस्कस कर लेते हैं टाइगर कम्स टू टाउन। पहले हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको पूरी कहानी ऐसे ही जाननी है, इसकी कहानी के तौर पर इसको सुनना है पूरे चैप्टर को, तो अगर आप यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं टाइगर कम्स टू टाउन, तो दूसरे चैनल पर मैंने इसको जो है एक बार डिस्कस किया था। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल, तो उस पाई स्टडी सर्कल चैनल पर भी मैंने इसको डिस्कस किया था टाइगर कम्स टू टाउन। एक जो है यू नो टाइगर की पोर्ट्रेट लगी हुई है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी, वहाँ पर भी मैंने बताई थी काफ़ी अच्छे से और वहाँ पर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मैं जस्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर कहानी के तौर पर इसको सुनना चाहो तो भी आप सुन सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टाइगर कम्स टू टाउन। नोट्स के लिए आप जो है गाइस हमारे दूसरे चैनल को विजिट करते हो। हर एक चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है पाई स्टडी सर्कल चैनल पर ही मैंने जो है यू नो डिस्कस किए थे। एक एक चैप्टर के सामने से आकर मैंने सारी चीज़ें उसमें समझाई थी। तो पूरी प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश की प्लेलिस्ट यू नो जो 10th NIS इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, इसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप वहाँ से देख लेना एक बार, ताकि आपको नोट्स भी पता रहे, साथ ही साथ इंग्लिश में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नोट्स क्या है और कहानी भी आपको पता चल जाए। चलिए यहाँ पर एक एक लाइन को यहाँ पर मैं आपको खोल करके आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या कह रही है हमारी स्टोरी। तो देखिए, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है द जंगल इज अ नेचुरल होम फॉर द मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स, के जो जंगल होता है ना, तो जो ज्यादा वाइल्ड एनिमल होते हैं जंगल ही उनके लिए घर होता है। ठीक है, वेयर एल्स कैन यू सी दैम, इसके अलावा आप उनको कहाँ देख सकते हो। जो एनिमल्स होते हैं जंगल ही उनका मेन घर होता है, तो उसके अलावा वो आपको कहाँ पर दिखते हैं। यस, इन अ जू और समटाइम्स इन अ सर्कस। हाँ भाई, कभी कभी वो हमें जू में दिखते हैं और कभी कभी एक सर्कस में भी हमें वो दिख जाते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ दैम व्हेन यू आर इट एट सर्कस, क्या कभी आप उनसे डरते हो जब वो यू नो जब वो जानवर किसी सर्कस में आपको दिखते हैं। नो, यू आर नॉट अफ्रेड बिकॉज यू नो दैट दे हैव बीन ट्रेन्ड टू लिसन टू देयर मास्टर। नहीं भाई, आप बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि आपको पता होता है कि सर्कस के अंदर जब आप किसी ना एनिमल को देखते हो तो वो ट्रेंड होते हैं सारे एनिमल्स, और वो अपने मास्टर की यानी अपने मालिक की सुनते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। बात करें स्टोरी की, अ टाइगर कम्स टू टाउन इज अ स्टोरी अबाउट अ रन अवे सर्कस टाइगर। ये कहानी एक ऐसे टाइगर की है जो सर्कस से भाग कर आ जाता है। स्टोरी इज टोल्ड बाय द टाइगर हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है वो एक टाइगर के द्वारा नेरेट की गई है, खुद टाइगर ने अपनी कहानी को बताया है। ठीक है, और यही जो टाइगर है वही पूरी स्टोरी का सेंटर मेन कैरेक्टर है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स। चलिए कहानी को पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि आखिर जब भाग गया वो टाइगर सर्कस से और पूरी कहानी उसने अपनी खुद बताई है तो क्या होता है। सो लेट अस रीड द टेक्स्ट अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट वन, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो देखिए, बेसिकली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि व्हेन आई एंटर द मार्केट रोड पीपल रेन फॉर देयर लाइव्स एट द साइट ऑफ मी। अब देखिए, ये टाइगर बोल रहा है व्हेन यानी जब, आई का मतलब मैं। अब ये मैं कौन है गाइस, यहाँ पर ये मैं का मीनिंग है कि ये टाइगर भाई साहब बोल रहे हैं अपनी कहानी को। सो दिस इज टाइगर। तो टाइगर बता रहा है कि जब मैं यू नो एंटर किया, जब मैंने एंट्री की मार्केट रोड पर, जब मतलब मेन जो रोड होता है मार्केट का, जब मैं वहाँ पर आया तो लोग मुझे देखकर ना अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए डर के भागने लगे उधर। सो एज आई पास्ड थ्रू शटर्स वर पुल डाउन एंड पीपल हिट देमसेल्व्स इन रेन्स ऑन ट्रीज एंड बिहाइंड पिलर्स। और जैसे ही मैं यू नो वहाँ से गुजरा मार्केट रोड से, तो तुरंत लोगों ने मुझे देखकर अपने शटर डाउन कर लिए, जो उनकी यू नो शॉप्स थी उनके शटर बंद कर लिए, और सभी लोग मुझे देखकर खुद को छुपा गए, मतलब खुद को छिपा लिया सब लोगों ने मुझे देखकर। कुछ लोग नाली में गिर गए, ड्रेन्स में गिर गए, कुछ लोग मुझे देखकर पेड़ पर चढ़ गए, और कुछ लोग यू नो बिहाइंड द पिलर्स के पीछे खड़े हो गए। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट। तो पॉपुलेशन जितनी भी वहाँ की आबादी थी ना, वो मुझे देखकर मेल्ट हो गई। मेल्ट का मतलब जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है ना,
से ही वो लोग पिघल पिघल इधर उधर मतलब भाग गए। सो एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स। अब देखो टाइगर हमें बता रहा है, क्योंकि ये टाइगर एक सर्कस से भागा हुआ है, तो टाइगर कहता है कि सर्कस में मुझे कभी चांस ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि मैं ह्यूमन बींग्स को स्टडी कर सकूँ, कि इंसानों का नेचर क्या होता है मैं उनको कभी जान सकूँ, मैं बस सर्कस में तो अपने ही काम करता रहता था। दे हैड सैट इन देयर सीट्स पीसफुली वाइल आई कवर्ड बिफोर कैप्टन्स व्हिप। तो सर्कस में जो है ना लोग बिल्कुल साइलेंटली अपनी सीट्स पर बैठे रहते थे, और जब मैं अपने ना कैप्टन की विप पर उनके उसके चाबुक पर घूमता था, कैप्टन मुझे अपना मेरा कमांड करता था और लोग साइलेंटली मुझे देखते थे। आई गोट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स एट दैट एंगल। और उस टाइम पर मुझे ह्यूमन बींग्स के बारे में बिल्कुल यू नो डिफरेंट ही मेरा एंगल था, कुछ अलग ही आइडिया था मेरा लोगों को लेकर। आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। मुझे लगता था कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और निडर हैं, फियरलेस हैं। बट नाउ आई फाउंड दैम रनिंग फ्रॉम मी लाइक अ हीरो सॉरी यू नो हार्ड ऑफ डियर, ऑल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग दैम। बट अब मुझे ऐसा फील होता है, अब मैंने ऐसा पाया कि लोग तो मुझे देख कर डर रहे हैं, और ऐसे डर रहे हैं जैसे कि एक यू नो डियर नहीं होते, जो हिरन होते हैं उनका झुंड देख कर भग लेता है किसी लॉयन को, किसी यू नो टाइगर को, लॉयन नहीं टाइगर या लॉयन जो भी है। तो ये देख अब मुझे देख कर ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि डियर का हर्ड यानी हिरनों का एक झुंड देखकर भागता है टाइगर को। और ऑल्दो हालांकि ना मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इन लोगों पर अटैक करूं। ठीक है, आगे है आपका, आगे है आपका कि भाई व्हेन आई पोस्ड इन यू नो फ्रंट ऑफ टेलर शॉप ही अबंडन्ड हिज मशीन एंड शट हिमसेल्फ इन अ कबर्ड वेलिंग अलास आई एम अंडन वॉन्ट समवन शूट द टाइगर। तो आगे वो बताता है हमें टाइगर कि वैन जब मैं पोस्ट का मतलब रुका थोड़ी देरी के लिए एक टेलर की शॉप के सामने, एक दर्जी अपने कपड़े सिलर था, जब मैं वहाँ पर रुका तो उस दर्जी ने सबसे पहले अपनी मशीन को रोक दिया और खुद को यू नो कबर्ड के अंदर बंद कर लिया, कबर्ड के अंदर बंद कर लिया डर के मारे। और इसके अलावा वेल का मतलब होता है वो विलाप करने लगा, एक तरीके से रोने लगा कि भाई मैं मर जाऊँगा बिल्कुल, कोई मुझे बचा लो, और कि क्या कोई इस टाइगर को शूट नहीं कर सकता, कोई इसको गोली मार दो, ऐसा बोल रहा था वो चिल्ला चिल्ला के। चलिए एक पैराग्राफ हमने कर लिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है आपका कि भाई जब देखिए क्या क्या होता है, जब टाइगर यू नो कम्स टू टाउन, आता है टाइगर टाउन के अंदर, तो आगे वो बताता है कि एक प्रिजनर बिटवीन टू कॉन्स्टेबल्स गॉट हिज चांस टू एस्केप व्हेन द कॉन्स्टेबल फ्लैड अबंडनिंग हिम विद हिज हैंडकफ्स। एक प्रिजनर जो है ना कॉन्स्टेबल, दो कॉन्स्टेबल उसको लेकर के जा रहे थे कैदी को, तो उसको भी ना भागने का चांस मिल गया जब वो जो है यू नो हैंडकफ्स अब उसकी हथकड़ियाँ छुड़ा के वहाँ से वो भाग गया। ठीक है, जब मुझे देखा उन लोगों ने, आई टोर अ हॉर्स फ्रॉम इट्स जुटका एंड इंजॉयड द साइट ऑफ द पैसेंजर्स स्पेलिंग आउट ऑफ इन रनिंग फॉर देयर लाइव्स। इसके अलावा एक वो था ना एक घोड़ा, तो उसने भी अपने जुटका से खुद को अलग कर लिया, पीछे जो शायद गाड़ी होती है घोड़ा गाड़ी जो होती है वो भी खुद को उससे अलग कर लिया, और जो लोग बैठे होते घोड़ा गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स होते वो भी जो है निकल कर उसमें से भागने लगे, और वो अपनी ज़िंदगी बचा रहे थे, ऐसे शोर मचा रहे थे कोई बचाओ बचाओ। चलिए आगे है, शीर होपलेसनेस सीम्ड टू हैव सीज द टाउन पीपल। और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पूरे टाउन के लोगों में ना एक होपलेसनेस सी जागे मुझे देखकर, दे विड्रॉ दे इन टू देयर होम्स एंड इवन देयर रिमेन नर्वस। वो कहते हैं कि वो उन सभी ने खुद को जो है ना अपने घरों में बंद कर लिया और वो सब बहुत नर्वस थे। ऑल डोर्स एंड विंडोज एवरी वेयर शट डाउन वर शट डाउन। जितने भी डोर्स थे घरों के, दरवाजे थे, विंडो थी, सब ने अपने अपने घरों के शट डाउन कर लिए, बोल्ट का मतलब एकदम कुंडी लगा ली, सील कर लिया खुद को। सम इवन थॉट दैट आई वॉज सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएचर हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट टू द रूफ और इन द बेसमेंट। और कुछ लोगों को ना ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएचर हूँ जो शायद दीवारों को फांद के आ जाऊँगा, या फिर उनकी छत पे आकर जो है ना चढ़ जाऊँगा, या फिर उनके बेसमेंट पे बैठ जाऊँगा आके। तो कुछ को ऐसा लग रहा था बिल्कुल उन पे मैं अटैक करने वाला हूँ। वाई शुड एन ऑर्डनरी सिंपल टाइगर हैव एनी इंटरेस्ट इन दैम ईदर टू डिस्ट्रॉय और टू सेव गार्ड। तो वो कहता है कि क्यों एक ऑर्डनरी से, मैं तो एक साधारण सा टाइगर हूँ, क्यों मुझे इंटरेस्ट होगा इन लोगों में कि मैं इनको डिस्ट्रॉय करूँगा या इनको सेव करूँगा, मुझे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। सो आगे है गाइज आपका, आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट, द कॉफी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स सैट स्टिल एट देयर टेबल्स ऑर्डरिंग लॉमोंस ऑन सीइंग मी। आगे वो कहता है कि मैं ना फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट के डोर के सामने खड़ा हो गया, मतलब रेस्टोरेंट था वहाँ पर कोई कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो जो कॉफ़ी ड्रिंकर्स थे, जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे या फिर जो लोग अपना टिफिन खा रहे थे, वो अपने टेबल पर मुझे देख के ऐसे चुप के चुप बैठ गए, और मुझे देख कर ना वो ऐसा हो गए एकदम मौन।
ठीक है. आई वॉन्टेड टू अश्योर दैम, डोंट फियर, आई एम नॉट आउट ऑफ ट्रबल यू, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू. मैं उनको अश्योर करना चाहता था, तसल्ली देना चाहता था कि भाई मुझे देख के मत डरो आप लोग, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं देने वाला. ईट योर टिफिन इन पीस, डोंट माइंड मी, अपना टिफिन आराम से खाओ आप लोग, मुझे मेरी तरफ ध्यान मत दो. यू नियरेस्ट टू मी हगिंग द कैश बॉक्स, यू आर अ कवर्ड, आफ्रेड, आफ्रेड इवन टू ब्रेथ. तो देखिए वहाँ पर वो कहता है कि एक जो है ना वो भी बैठा हुआ था, क्योंकि देखिए जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर जो रेस्टोरेंट का जो होते हैं ना बैठे हुए जो पैसे वैसे लेते हैं, कैश वगैरह लेते हैं, तो वो उसको बोलता है वो कि तुम अपने कैश बैग को हक करके बैठ जाओ, बिल्कुल सीने से लगा के बैठ जाओ उसको, तुम तो एक बहुत डरपोक हो और इतने ज़्यादा डरपोक हो, डरे हुए हो कि तुम्हें सांस तक नहीं लिया जा रहा, इतने डर रहे हो तुम मुझे देख के. गो ऑन एंड काउंट द कैश इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट, और जाओ जाकर अपना ना काउंट कैश करो जो तुम चाहते हो. आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच, दैट्स ऑल, मैं तो बस ये सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ, किसी को परेशान थोड़ी कर रहा हूँ. आगे है कि इफ़ माई टेल ट्रेस डाउन टू द स्ट्रीट, इफ़ आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, इट इज़ बिकॉज आई एम 11 फीट टिप टू टॉल, यू नो टेल. तो कहता है कि मेरी जो टेल है ना वो स्ट्रीट को टच कर रही है, तो मैं तुम्हारा किसी चीज़ को ब्लॉक थोड़ी कर रहा हूँ. इट इज़ बिकॉज आई एम 11 फीट टिप टू टॉल, और ये इसलिए है क्योंकि मैं 11 फीट हूँ और मेरी जो टेल है वो नीचे यू नो उसको स्ट्रीट को टच कर रही है. आई कॉन्ट हेल्प इट, पर मेरे बस में थोड़ी है. आई एम नॉट आउट टू किल, मैं बाहर जो आया हूँ वो किसी को मारने थोड़ी आया हूँ. आई एम टू फुल, मैं तो टू फुल का मतलब बिल्कुल मेरा पेट भरा हुआ है, मैं बिल्कुल फुल हूँ. आई फाउंड अ ग्रीन यू नो पैस्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे, वो आगे कहता है कि मुझे ना एक ग्रीन फुल ऑफ पैस्चर फुल फूड मिल गया था, मतलब कुछ खाना वाना मिल गया था इसको, हरा एकदम बोलते ना हरियाली या फिर अरे जो भी चारा होता है वो उसको मिल गया था कहीं, तो वो खा के आया है, वो भूखा नहीं है. आई वॉन्ट अटैक अनटिल आई फील हंग्री अगेन, वो कहता है कि मैं जब तक दोबारा अटैक नहीं करूँगा जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी. टाइगर्स अटैक ओनली वैन दे फील हंग्री, टाइगर्स केवल तब अटैक करते हैं जब उनको भूख लगती है. अनलाइक ह्यूमन बींग्स हु किल वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर, मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूँ, अनलाइक यू मतलब तुम इंसानों के जैसा नहीं हूँ मैं, जो विदाउट किसी पर्पस के बिना किसी भूख के एक दूसरे को मारते रहते हैं, किल करते रहते हैं. तो देखिए यहाँ टाइगर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है वाकई में, कि जानवर जो है वो तो तब अटैक करते हैं जब उनको भूख लगती है या फिर उनको कोई चोट पहुंचाता है, लेकिन ह्यूमन तो खामखा भी एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं, खामखा एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच हैं. चलिए आगे है, टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल्स वर बीइंग हर्ड क्लोजली, लेकिन बच्चों के को तो मज़ा आ गया था उस दिन, क्योंकि बच्चों का तो एकदम डिलाइट हो गया था, उनका स्कूल तुरंत ही बंद कर दिया गया जैसे ही ये शोर मचा कि भी टाइगर आ गया है. चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड साइजेस वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर स्क्रीमिंग जॉयसली, जो बच्चे थे हर एक एज के वो तो आराम से मतलब इधर उधर भाग रहे थे जैसे उनको पता चला, और वो खुशी के मारे ना एकदम शोर मचा मचा के भाग रहे थे, टाइगर आ गया है, टाइगर आ गया है. और इसके अलावा क्या बोल रहे थे, नो स्कूल नो स्कूल, कि भाई आज तो कोई स्कूल नहीं है, कुछ कहीं नहीं जाना, अपना छुट्टी उट्टी है, टाइगर 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 आ गया है. देवर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन इन्जॉयड बींग स्केयर्ड, वो बच्चे जो है सब जो है शाउट कर रहे थे, हंस रहे थे, और वो तो इस चीज़ को डर डर के भी इन्जॉय कर रहे थे एक तरीके से, उनकी छुट्टी गई थी स्कूल की. आगे है गाइस, आई फॉलो देम थ्रू देयर स्कूल गेट व्हाइल दे रैन अप एंड शट देमसेल्व्स इन द स्कूल हॉल, मैंने उन बच्चों को फॉलो किया उनके स्कूल गेट तक, पीछे चलता रहा मैं उनके, और तब तक चलता रहा जब तक वो बच्चे बेचारे अंदर जाके उन्होंने ना खुद को स्कूल हॉल के अंदर शट डाउन नहीं कर लिया. आई क्लीन्ड अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल की सीढ़ियों पर चढ़ा. सॉ एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ एन वरांदा, उसके बाद मैंने एक ओपन डोर देखा जो वरांदा की तरफ जा रहा था. एंड वॉकड इन, फिर मैं वरांदे में अंदर चला गया. इट हैपन टू बी द हेड मास्टर्स रूम, और आगे जो था वो आगे हेड मास्टर का रूम था. अब देखिए सॉरी हेड मास्टर के साथ क्या होता है. आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल एंड हैविंग हिमसेल्फ अप इन टू अ एटिक, वो कहते हैं मैंने फिर नोटिस किया कि बड़ा डिग्निफाइड सा मैन है, लेकिन मुझे देख के ही जंप मार के वो टेबल के ऊपर चढ़ के खुद को एटिक में उसने फिट कर लिया. एटिक का मतलब होती है ना मचान टाइप की जो होती है, जहाँ घरों में होते हैं लोगों के जिस पे सामान रखते हैं, तो वो एटिक में बैठ गया. आई वॉकड इन एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर हैविंग अ स्पेशल लाइकिंग फॉर कूल स्टोन फ्लोर्स विद माई हेड अंडर द लार्ज डेस्क, वो कहता है फिर कि मैंने ना खुद को कूल फ्लोर पर जाके लिटा दिया क्योंकि मुझे थोड़ी गर्मी शायद उसको लग रही होगी, तो उसको कूल फ्लोर जो था अच्छा लग रहा था, और अपना सिर अड़ा के वो अपना वहां पर लेट गया.
चलिए, आई वॉज इन नो मूड टू बॉदर अबाउट एनी थिंग. तो आगे टाइगर बोल रहा है कि ना, मुझे किसी को तंग करने का कोई मूड नहीं था, मैं तो बस सोना चाहता था वहाँ पे, थक गया था शायद ये. ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, कि भाई मैं तो केवल थोड़ी देर के लिए सोना चाहता था. वाइल आई स्लैप्ड आई हैड बीन प्रॉपरली लॉकड अप एंड वॉज बींग वॉश्ड. और जिस दौरान मैं सोया, वाइल का मतलब जब मैं सोया, तो जब मैं उठा फिर मैंने, मतलब जब मैं सोया तो मैंने खुद को प्रॉपरली लॉक और बींग वॉच्ड का मतलब लोगों द्वारा मुझे देखा जा रहा था. मुझे प्रॉपर तरीके से लॉक कर दिया गया और मुझे लोग घूर रहे थे, देख रहे थे. आफ्टर आई वोक अप आई हर्ड अ टीचर सेइंग, नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप वी मस्ट डिसाइड. जब मेरी आँख खुली, जब मैं उठा, सो आई हियर्ड टीचर सेइंग, तो एक टीचर बोल रहा था, मैंने ये बात सुनी, एक टीचर ने बोल रहा था कि नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉकड अप मी, कि अब हमें इस पशु को सेफली लॉकअप कर देना चाहिए, लॉकअप कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि इसका क्या करें. एट दिस मोमेंट माई मास्टर पुश्ड हिज वे थ्रू हिज क्राउड्स एंड स्कोल्डेड, नेवर यूज द वर्ड्स यू नो बीस्ट और ब्रूट. तो इसी मोमेंट पर मेरा मास्टर जो है अंदर आ गया, भीड़ को क्रॉस करते हुए अंदर आया. मास्टर का मतलब जो मालिक था इसका, टाइगर का. और भीड़ को जैसे ही वो क्रॉस करते हुए अंदर आया, तो उसने भीड़ को वहाँ पर स्कोल्ड किया, डांटा कि भाई ये जो वर्ड है ना, बीस्ट यानी बुरा या ब्रूट, जो पशु, जो आप ये वर्ड बेकार बेकार से इसके लिए यूज़ कर रहे हो, दे आर अगली वर्ड्स कॉइंड बाय मैन इन हिज एरोगेंस, तो ये बुरे शब्द हैं, इनका इस्तेमाल ना करें, ये इंसान अपने गुस्से में या अपने उसमें ऐसा बोलता है. द ह्यूमन बीइंग थिंक्स ऑल अदर क्रिएचर्स आर बीस्ट ऑफुल वर्ड, तो जो ह्यूमन क्रिएचर्स होते हैं वो सभी, जो ह्यूमन होते हैं मतलब, वो दूसरे जानवरों को, दूसरे क्रिएचर्स को बीस्ट बोलते हैं, जो कि एक ऑफुल वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है. ठीक है, आगे है आपका, इज दिस टाइम टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकैबुलरी. और ये जो टाइम है ना, वो बातों का टाइम नहीं है कि वोकैबुलरी डिस्कशन हम यहाँ पर करें. वाई नॉट, रिटोर्टेड माई मास्टर, एट विच दे लुक एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्री. तो समवन सैड, वॉट आर रेकलेस मैन यू आर, हु आर यू. तो एक आदमी बोलता है, मेरा मास्टर कहता है कि क्यों नहीं, और तुम्हें, मास्टर जो था उनका बहुत ज़्यादा अपसेट था और एंग्री था, तो पीछे से किसी ने बोला कि भाई वॉट आर रेकलेस मैन यू आर, तुम कैसे आदमी हो कौन तुम, क्या बोल रहे हो तुम आके. सो यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया हु एम आई. तो मेरे मास्टर ने बोला कि तुम तो एक बड़ा ही निराला मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ. ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ. मेरे मास्टर ने बोला कि मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ, और मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई है इसी क्वेश्चन को ढूंढने में कि आखिर मेरी पहचान क्या है और मैं कौन हूँ. आर यू श्योर यू नो हु आर यू, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो. भाई तुम मेरे से तो पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मुझे तो पूरी लाइफ होगी, मुझे तो इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिला कि मैं हूँ कौन. तो क्या तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि हु आर यू. सो इस क्वेश्चन पर हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फिनिश, पहला पार्ट. और सेकंड पार्ट में जो है इसी चैप्टर को हम आगे लेकर के जाएंगे, अ टाइगर कम्स टू टाउन, उसमें पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे. ऐसे इसी तरीके से लाइन बाय लाइन उसकी भी यू नो हम डिस्कशन करेंगे. सो गाइज, आई होप यू नो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें. इसके अलावा गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो विजिट कर लेना और देख लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. और बाकी अगर आपको इसकी कहानी ऐसे ही सुननी है, तो उसके लिए मैं दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. और लाइन बाय लाइन चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी कर दी है मैंने यहाँ पर कंप्लीट, और शॉर्ट समरी के लिए भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को. गाइस, अगर इसके अलावा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, SST, सोशल साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, तो 10th and 9th वाले बच्चों का ये सारे सिलेबस हम अपने दूसरे चैनल पर करा रहे हैं, पाई स्टडी चैनल का नाम है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से यू नो वहां पर लेक्चर चल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं उसको भी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो गाइस, वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताना मुझे, काफी दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस वीडियो के लिए, तो मैंने बना दी है. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन कीप स्टडी, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश. थैंक यू एंड गुड बाय.